पंजाब की भगवंत मान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने लुधियाना के सिविल अस्पताल का दौरा किया है और यहां पर दी जा रही सारी सुविधाओं की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने सेहतमंद पंजाब मुहिम के तहत अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाए जाने संबंधी चल रहे कार्यों का भी जिक्र किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह लुधियाना के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1.5 घंटा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कुछ एनजीओ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने वार्डों में दाखिल मरीजों से भी बातचीत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार द्वारा सिविल अस्पताल में आपातकालीन सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में दवाओं की सप्लाई को पहले से कहीं ज्यादा दुरुस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अब सब डिवीजन सेंटर्स पर भी सिजेरियन डिलीवरी की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। आज कमेटी की मीटिंग करके असं काम शुरू कराने जा रहे हैं। लिफ्ट लगेगी, सारे जो थोड़े वार्ड से अपग्रेड होंगे, स्टाफ नवा आएगा और नवी सर्विसेज शुरू करेंगे जी। थोड़े एमरजेंसी बैंक बनावेंगे, व्हील चेयर भी होगी, स्ट्रेचर भी होंगे और मेडिसिन भी होंगे, सारा कुछ होगा। सारा कुछ रिव्यू करते हैं, सारा कुछ जो होगा, जो कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है आप हल लगते हैं, बैठ के विचार करते हैं, वो सारी डिस्कशन की अभी नहीं होगा। वो जी मेडिसिन की सप्लाई है पहला तो बेहतर हुई है। जो जूनियर डॉक्टर है वो तकरीबन 60 के काम कर रहे हैं और पहला तो बेहतर काम कर रहे हैं। और जो थोड़े जिम्मे लोगों को पीने का पानी है, दूजा सारा हूँ, जो लिफ्ट लगनी है टाइम लगेगा जी। लिफ्ट जी नवी लिफ्ट है, थोड़े नवी लिफ्ट लग रही है एमरजेंसी के सारे जोड़े इन्हों रंग रोगन होएगा, सफाई होएगी, पेशेंट्स वास्ते चेयरस लगनगियाँ, फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा, वास्ते स्टाफ की डिस्कशन हुई है। हूँ असं स्टाफ भेजा वो वास्ते डेडिकेटेड स्टाफ होएगा ताकि जो पेशेंट अंदर आए उन्होंने एक चंगा अनुभव हो। सारिया चेंजेस थोड़ा जहाँ टाइम लगता है, कुछ तो टाइम मेरे ख्याल ऑलरेडी जी है फाइल एक इस हफ्ते हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक ही होंगे, ये 6 जोड़े है कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर है जिन्होंने अभी शुरू कर जा रहे हैं। बिल्डिंग बनी हुई है पिछले 10 साल तो, पिछले सरकार ने नहीं शुरू किए, उन्होंने भी रंग रोगन करके मैं शुरू कर रहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि सिविल अस्पताल में क्या कमियां हैं, कितने स्टाफ की जरूरत है, इसकी भी सूची बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में सिर्फ सिविल अस्पताल में ही सिजेरियन डिलीवरी होती है, लेकिन अब सब डिवीजनों में भी स्पेशलिस्ट सर्जन और गायनों के डॉक्टर रखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल के अलावा छोटे अस्पताल में भी सिजेरियन डिलीवरी और डायलिसिस जैसी सुविधा शुरू होने से लोगों को लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज।